पढ़ करके बड़ी नौकरी में लगेगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये आपके माँ बाप और सब रिश्तेदारों की चाहत, मेरी आपसे विनती होगी कि स्टडीज को पूरा ध्यान में रखिएगा। आप बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लोग में आप नेशनल कैपिटल के बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ करके और जो अवेयरनेस का स्टैंडर्ड आप में गांव और बाहर के लोगों में नहीं हो सकता, इसलिए पहली प्राथमिकता आप स्टडीज को दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। दूसरा साथियों, चूंकि NHUI का फंक्शन है, सभी यहां बैठे कांग्रेस विचारधारा के हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, एक रास्ता है विकास का, आप उससे जुड़े हुए हैं। देश में क्या हो रहा है ये सब आप जानते हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या संविधान में है, क्या देश के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, आप लोगों को, छात्रों आप पढ़े लिखे हो, आप लोगों को उन चीजों के लिए प्रचार और प्रसार करना चाहिए जो देश के हित में। हमारी 125 साल से भी अधिक की पार्टी कितना काम किया आजादी से दिला करके और देश का विकास जो किया है। आज कहते हैं लोग, कहा चुनाव में 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हिसाब दीजिएगा। अंग्रेज जब छोड़ के इस देश में गए, मैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मात्र 2800 बैंकों की शाखाएं थी, 2800 बैंकों की शाखाएं। और आज जब हमने मोदी जी आए, 1 लाख से ज्यादा बैंकों की शाखाएं और 2 लाख से ज्यादा ATM, ये किसकी देन है, ये कांग्रेस की देन है। स्वाभिमान अभियान, बैंकों में सबको जोड़ो, सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण जब ही होगा जब सब बैंकों से जुड़ेंगे, ये नारा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया था 11 फरवरी 2011 को विज्ञान भवन। बैंकें खोले, NDA के टाइम में 1000 से कम शाखाएं खुलती थी और हमने टारगेट बनाते बनाते 13 और 14 में 10,000 शाखाएं सारे देश के अंदर खोली और 11,000 पर 11,000 की जनसंख्या में एक बैंक ला करके हमने दिया। सारा प्लेन हमारा, सब कुछ हो रहा है, खाते खुल रहे हैं, लेकिन धनजन योजना चला दी, धनजन योजना जैसे उन्होंने काम किया। धर्म को लेके क्या हो रहा है, आपसे चीजें छुपी हुई नहीं है, बहुत ज्यादा मैं भाषण नहीं देना चाहता, कार्यक्रम संगीत का है और जश्न मनाने का है, अभी बहुत सारे आइटम आपके सामने आने वाले हैं। साथियों, मैं तो आपको एक ही बात सलाह देना चाहता हूं, NHUI के अध्यक्ष बैठे हैं, NHUI से जो जुड़े हुए छात्र हैं, एक बार जुड़ गया बाद में वो लाइफ में कहां कहां गया है उसका टेक रिकॉर्ड रखो, ताकि आपको ये पता लगे कि अमुक जो छात्र हमारे NHUI का कैंडिडेट रहा था, जो सर्विसेज में गया तो यहां पहुंचा, उद्योग धंधे में गया तो यहां पहुंचा, और राजनीति में गया तो हमारे यहां से लेकर के और कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जाकर के बना। कि आप रिकॉर्ड रखिएगा ताकि आप कह सकें कि हमने NHUI ने लोगों को निकाल करके अलग अलग फील्ड में कहां कहां भेजा है।